नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे अल्टीमेट टेक एंड गेमिंग चैनल पर। आज मैं एक ऑफ टॉपिक वीडियो बना रहा हूँ, बट इस वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके जीएसटी, आप जानते हैं बिजनेसमैन एंड शॉपकीपर्स के लिए आप जीएसटी कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 1 जुलाई 2070 से जीएसटी एनेबल हो गया है हमारे इंडिया पे। तो जीएसटी में परचेस एंड सेल एंट्री कैसे पास करना पड़ता है वो मैं दिखाऊंगा आज। मैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे दिखाता हूँ, क्योंकि मेरा जो टैली है वो फ्री है, ट्रायल वर्सन है, पेड नहीं है, इसीलिए मैं वर्क इन एजुकेशन मोड पे दिखाता हूँ। तो पहले वर्क इन एजुकेशन मोड में जाए, आपके टैली सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी क्रिएट नहीं है तो एक क्रिएट कीजिए। जैसे मैं एक क्रिएट करता हूँ, से कंपनी सा, ये आपके कंपनी एड्रेस कोलकाता स्टेट में वेस्ट बंगाल देता हूँ। यहाँ पे पिन कोड 7001 0, फोन नंबर ये सब पास करता हूँ। यहाँ पे आप सिक्योरिटी भी दे सकते हैं, पासवर्ड वासवर्ड भी। तो इसका बैक पास करिए, एक्सेप्ट, न्यू कंपनी क्रिएट हो गया XRGG। आप इस कंपनी में जीएसटी एनेबल करना पड़ेगा, तो जीएसटी कैसे एनेबल करते हैं वो मैं दिखा। तो पहले यहाँ पे जो आप देख सकते हैं F11, तो F11 ऑप्शन को क्लिक कीजिए। GOT में F11 ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे F3 फॉर स्टैटूटोरी, यहाँ पे एनेबल जीएसटी को यस, नीचे जो दिख रहा है सेट ऑल द जीएसटी डिटेल्स यस, यहाँ पे आएगा स्टेट वेस्ट बंगाल रेगुलर, यहाँ पे जो आपके जो जीएसटी नंबर है वो देना पड़ेगा। यहाँ पे मंथ ये भी एप्लीकेबल फॉर्म, यहाँ पे सेट ऑल द जीएसटी को यस करता हूँ। कि आपके टैली सॉफ्टवेयर में ये ऑप्शन नहीं आया तो F12 क्लिक कीजिए, क्योंकि सब स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स ऑप्शन नहीं आया तो F12 क्लिक कीजिए। F12 फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे जो दिख रहा है सब नो होगा आपके टैली सॉफ्टवेयर पे, उस सब यस करिए। मेरा टैली सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी सब यस है। सो पास, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टैक्सेबल होगा, यहाँ पे टैक्स टाइप जो दिख रहा है इंटीग्रेटेड टैक्स उसको 80% देना पड़ेगा, तो 18 दे दिया। और सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स में 9% 9% होगा, तो ऑटोमेटिकली 9% 9% टैक्स ले लिया। यहाँ पे पास का एंट्री यस, फिर जीओटी में आ जाए। उसके बाद जो यहाँ पर देख रहा है अकाउंटिंग वाउचर ऑप्शन को क्लिक करिए। मैं पहले परचेस एंट्री दिखाता हूँ। परचेस एंट्री को करने के लिए यहाँ पे F9 जो दिख रहा है F9 फॉर परचेस, इसको क्लिक करिए। F9 परचेस आ गया। यहाँ पे सप्लायर इनवॉइस नंबर, ये सप्लायर इनवॉइस नंबर जो भी एक दीजिए नंबर, एग्जाम्पल में 1 2 3 4 ये दे दिया। इसके बाद पार्टी एसी नेम, पार्टी एसी नेम जो भी कुछ आप दीजिए। मैं ऑल सी करके एक पार्टी नेम क्रिएट करता हूँ, ऑल सी पार्टी नेम, एग्जाम्पल मिस्टर एसी, अंडर में हो सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स यहाँ पे जो है इसको पास करिए। यहाँ पर पास पास एंट्री, यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आप दे सकते हैं आपके पास है तो, सेट ऑल द जीएसटी इसको मैं यस कर दो। यस करने के बाद यहाँ पे रेगुलर, यहाँ पे जीएसटी नंबर दीजिए, यहाँ पे आप जो भी कुछ देख सकते हैं। नाउ टैप पे करना, यहाँ पे परचेस लेजर, परचेस लेजर में एक लेजर में क्रिएट करता हूँ, और सी परचेस लेजर एस
called chess@18%। तो हो गया यहाँ पे पर अंडर में होगा परचेस अकाउंट, क्योंकि परचेस लेजर करना हुए तो परचेस अकाउंट ही होगा, ये सब आप ध्यान रखना। यहाँ पे जीएसटी आप देखेंगे सेल पर ऑर्डर जीएसटी यस, यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन ये होगा परचेस टैक्सेबल, यहाँ पे टैक्सेबिलिटी टैक्स सेकंड, यहाँ पे इंटीग्रेट टैक्स जो 18% होगा 9% 9% में, यहाँ पे सप्लाई टाइप्स गुड्स एंड सर्विस जो भी एक्सपीरियंस गुड्स करता हूँ, यहाँ पे हाँ आप स्टॉक आइटम या आइटम क्रिएट करना पड़ेगा, तो आइटम क्रिएट करने के लिए प्रेस ऑल सी यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नेम दीजिए, जैसे मैं देता हूँ एक मोबाइल, ओके एक मोबाइल देता हूँ नाम, लिस्ट ऑफ ग्रुप्स नो, यहाँ पे कोई यूनिट्स नहीं है, आपको एक कस्टम यूनिट क्रिएट करना पड़ेगा, कैसे क्रिएट करते हो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे ऑल सी दीजिए, ऑल सी देने के बाद यहाँ पे सिंबल कैसा सिंबल होगा पीसीएस होगा, ओके तो देखिए यूनिट पीसीएस आ गया, यहाँ पे जीएसटी आपके एक बार यस सेट एंटर, यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप ऑन आइटम रेट या ऑन वैल्यू जो भी एक कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर वैल्यू ही करता हूँ, यहाँ पे टैक्स सेकंड, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स 18% गुड्स यस, यहाँ पे क्वांटिटी देता हूँ, एक मोबाइल के प्राइस में देता हूँ 10,000, तो ओके 10,000 यहाँ पे 20,000 हो गया, एक बार दूसरा सेकेंड देता हूँ और सी लैपटॉप पीसेस यस वैल्यू टैक्स 18% यस, यहाँ पे लैपटॉप देता हूँ 3 लैपटॉप, एक लैपटॉप का प्राइस 30K ठीक है, यहाँ पे आ गया, तो और एक कुछ देता हूँ एग्जाम्पल, सेट ऑफ द जीएसटी यस, यहाँ पे 2 हेडफोन आप यहाँ पे स्पेस एंटर देने के बाद फिर एंटर दीजिए, फिर एंटर ऑल सी के बाद इनपुट सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये परचेस कर रहा हूँ इसीलिए मैं इनपुट लिख रहा हूँ सीजीएसटी, यहाँ पे अंडर में होगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस जीएसटी, यहाँ पे सेंट्रल टैक्स, यहाँ पे 9% कैलकुलेशन, यहाँ पे फिर इंटर, फिर होगा इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी ड्यूटीज एंड टैक्स जीएसटी स्टेट टैक्स 9% एप्लीकेबल, देखिए 1 जुलाई 2017 से टैक्स एप्लीकेबल हुआ है इंडिया में, तो 1 अप्रैल 2017 था इसलिए नहीं आ रहा था, तो जब से टैक्स एनेबल हुआ 1 जुलाई 2017 से उस डेट में दिया, देखिए चले आया 9% टैक्स सीजीएसटी और 9% टैक्स स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो आप इसको एंटर यस जीएसटी नंबर आप दे सकते हैं आपका, तो कंप्लीट हो गया, तो कंप्लीट हो गया, आप वैसे आपकी जो परचेस एंट्री पास किया उसकी बिल कैसे देख सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ,
यहाँ पे जो डिस्प्ले रहता है वो डिस्प्ले, यहाँ पे टेबल एवं स्टडी सी जो मैंने नाम क्रिएट किया था, यहाँ पे देखिए आ गया। फिर ऑल्ट पी दबाना है, यस। अब देखिए जो मैंने क्रिएट किया था वो आ गया, मिस्टर एसी इनवॉइस नंबर 1 जुलाई 2017, ए कंपनी नेम। देखिए मोबाइल लैपटॉप हेडफोन का जो आइटम क्रिएट किया था उसके प्राइस एंड इनपुट स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स आ गया। हम सब जब भी कोई शॉप से हेडफोन माउस या मोबाइल खरीदते तभी इस बिल देता है। इस बिल में ऊपर जिस शॉप से खरीदते हैं उस शॉप का नाम, शॉप का एड्रेस, शॉप का फोन नंबर, शॉप की माने जब कब खरीदा है, उसकी बिल या फिर जीएसटी डिटेल्स या फिर कौन सी आइटम खरीदा या फिर टोटल प्राइस, ऐसे ही होता है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना एंड ऑब्वियसली हमारे चैनल अल्टीमेट टेक एंड गेमिंग को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर लेटेस्ट टेक एंड ट्रिक्स वीडियोस के लिए। तो अभी अलविदा।